ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना इलाके के अतरासी पुलिस चौकी के पास दुल्हन को विदा कराकर लौट रहे परिवार की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार सवार 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली में इनोवा कार के घुसने के कारण हुआ। बता दें कि संभल जनपद के थाना कुड़ फतेहगढ़ के गांव धर्मपुर कोया निवासी शिव शंकर के बेटे लोकेश की बारात कल दिल्ली गई थी। आज सुबह लोकेश का बड़ा भाई हरीश अपने भाई लोकेश की दुल्हन बबली को विदा कराकर परिवार के साथ इनोवा कार से लौट रहा था। रात भर जगे होने के कारण नींद की झपकी आने से उसकी कार अतरासी चौराहे पर आज सुबह गन्ने की ट्रॉली से जा टकराई, जिसमें गाड़ी में बैठा दूल्हा लोकेश, नवविवाहित पत्नी बबली, खुद हरीश और उसकी पत्नी उपासना, हरीश की बेटी पंछी, हरीश की बहन सुधा और सुधा की 1.5 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस 108 के जरिए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरीश की बहन सुधा, दूल्हा लोकेश और सुधा की 1.5 साल की बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे परिवार के लोग TMU ले गए। बाकी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक्सीडेंट आया था, क्या है इनका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा से। ये अभी हमारे पास एक्सीडेंट आया था, ये शादी होने के बाद, विदाईगी के बाद ये लोग अपने दुल्हन को लेके घर जा रहे थे और रास्ते में हो सकता है नींद आने के कारण या कोई और वजह से वो गन्ने की ट्रॉली में गाड़ी जो है पीछे से टक्कर लग गई। उसमें कार में जितने भी लोग थे सभी घायल हो गए। इसमें दूल्हा, जिसका नाम लोकेश है, उसके भी सर में चोट है, बहुत गंभीर हालत है। उसकी वाइफ बबली और एक लेडी है जो दूल्हे की है, तो वो सुधा, उसके भी सर में चोट है, वो भी काफ़ी गंभीर है। सुधा का बच्चा है 1.5 साल का, उसके भी सर में चोट है और वो भी काफ़ी गंभीर है। और बाकी लोगों की छोटी मोटी चोट आई हैं, दुल्हन के भी छोटी मोटी चोट आई है, उनको हमने एडमिट कर लिया है। हेड इंजरी वालों को हमने रेफ़र कर दिया है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, और बता दिया गया है उनको कि जल्दी से जल्द इनका CT स्कैन करा के न्यूरो सर्जन से इलाज शुरू। तो इसमें किसकी हालत ज़्यादा नाजुक बनी हुई? इसमें दूल्हा और दूल्हे की बहन ने सुना है और उसका बच्चा है, उनकी तीनों की जो है हालत बहुत अच्छी है। ये सब लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले जिला संभल के हैं, ये अमरोहा से शादी के बाद संभल वापस जा रहे हैं।